नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नवनीत रंगी आप सभी दर्शकों का नवनीत स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ इंटरनेशनल बॉक्सर मनजीत सिंह, उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त किया और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भी मेडल प्राप्त किया, साथ ही साथ दो बार नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले मनजीत जी, आपको हमारा नमस्कार और साथ के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नवनीत भाई राम राम, सभी दर्शकों को भाइयों को मेरे राम राम। तो मनजीत जी, आपने बॉक्सिंग की शुरुआत कब और कहाँ से की? मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी 99 में भिवानी, और हमारे एक सीनियर खिलाड़ी होते थे देवेंद्र गिल और उर्फ गोल्लू बोलते हैं, तो वो मेरे को लेके गए थे बॉक्सिंग स्टार्टिंग में। तो आपके बेसिक कोच कौन रहे हैं? जगदीश सिंह रहे हैं हमारे कोच स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। जैसे आपने बॉक्सिंग की शुरुआत की, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? जब स्टार्टिंग में भिवानी आए तो खेल का, मैं मेरी फैमिली भी स्पोर्ट्स से बिलोंग रखती है, तो एक खेल का शौक था। हम लोग यहाँ भिवानी स्टेडियम में स्विमिंग करने के लिए जाते थे, लेकिन सर्दियों में स्विमिंग पूल जो है बंद हो जाता था। फिर एक बॉक्सर जो मैंने आपको बताया देवेंद्र गिल, उसने देखा कि ये लड़का डेली जाता है स्टेडियम में, थी वो मेरे को बॉक्सिंग में लेके गया स्टार्टिंग में। फिर उनके साथ जाने लगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर अपना इंटरेस्ट बन गया। फिर पता चल गया कि भाई कंपटीशन भी होते हैं, हार जीत भी होती है, नौकरी भी मिलती है, तो फिर अपना इंटरेस्ट हो गया। तो आपने बताया आपकी फैमिली से कोई खेल खेलता था, कौन खेलता आपकी फैमिली में? मेरे पिताजी श्री कमल सिंह कबड्डी कोच रहे हैं, तो ज़्यादातर स्पोर्ट्स की बातें होती थी, और जो आते थे अंकल जी आते थे या ताऊ जी आते थे, तो पता लगता था भाई ये खिलाड़ी रहे हैं, ये बढ़िया, तो इस तरह स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा रुचि हो गई थी। जैसे आपकी फैमिली में स्पोर्ट था, फिर भी आपको आपकी फैमिली से कितना सपोर्ट मिला? जो स्पोर्ट है सारा, जितना भी स्पोर्ट है फैमिली से ही मिला है भैया। बाहर के तो जब आप स्टार हो जाते हैं तब मिलता है बाहर से स्पोर्ट्स, तो स्टार्टिंग से नीचे से लेकर ऊपर तक फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है आपको उठाने का। तो आपने पहली बार टूर्नामेंट कहाँ पर खेली? जैसे लोकल टूर्नामेंट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट होती है और नेशनल भी होती है। 99 में खेली थी, स्कूल स्टेट खेली थी हिसार। तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही वहाँ? उसमें मेरे सेमीफाइनल में मैं हार गया था, ब्रॉन्ज मेडल था, थोड़े दिन ही यानी कि हुए थे खेलते हुए, तो मैं सेमीफाइनल में हार गया। तो आप पहली बार इंडियन टीम में कब हिस्सा लेने और वहाँ पर किस टूर्नामेंट में गए थे? पहली बार इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2002 या 3 में इंटरनेशनल YMCA होती थी इंडिया में, उसमें पार्टिसिपेट किया था मैंने, उसमें ब्रॉन्ज मेडल था 2002 में। तो आपकी और अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? मैं इंटरनेशनल भाई कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप का मेडलिस्ट हूँ, एशियन चैम्पियनशिप का मेडलिस्ट हूँ, और 7 बार जो है और भी मेरे टूर हैं बाहर के जिनमें मेडल है, कभी चैंपियन हो नहीं पाए। तो आपने टूर बताया आपके बाहर के, सबसे अच्छा टूर कौन सा रहा है? सबसे बढ़िया टूर था कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप का। कहाँ का? ये इंग्लैंड में हुई थी 2007 में लिवरपूल। तो आपने वहाँ पर टूर्नामेंट खेले काफ़ी विदेश में भी, तो सबसे टफ फाइट कौन सी रही है? सबसे टफ फाइट थी पोलैंड हुई थी, ये 2006 की बात है, 2006 हाँ 6 या 7 ऐसी बात थी, तो वहाँ मैं हार गया था अजरबैजान से। तो आपका उस जो टफ फाइट थी उसमें हारना क्या कारण रहा था, ऐसी क्या कमी थी आपकी? जो बॉक्सर था वो भी अच्छा था, उस टाइम पे जो है इतना एक्सपीरियंस नहीं था बाहर का, मैं अपना जितना बेस्ट हो सकता था कर किया, और मेरी फाइट अच्छी थी 19-20 की फाइट थी, उसमें मैं रह गया। तो आप किस वेट कैटेगरी में खेलते थे? मैं मिडल वेट में खेलता था 75 में, और जैसे जैसे कैटेगरी चेंज होती रही, जैसे कि सब जूनियर से जूनियर सीनियर, ऐसे वेट भी बढ़ता रहा। जब मैं सीनियर में खेलता था तो मिडल वेट में ही खेलता था। तो आपकी हाइट क्या रही है? मेरी 5'11" हाइट। तो आपने आपकी हाइट भी बताई है और वेट भी बताया है, तो बॉक्सिंग में हाइट और वेट कुछ मायने रखता है? बॉक्सिंग में हाइट और वेट का सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, जितनी आपकी हाइट लंबी होगी आपका वेट बड़ा होगा उतना ही आपको कंपटीशन जो है कम मिलेगा, और लंबी हाइट का तो हर एक गेम में फ़ायदा है, आपके रीच जितनी हाइट लंबी होगी उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, आप दूर से लंबे स्कोर कर सकते हो। बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हाइट का और वेट का, जितना कम वेट रहता है हाइट कम रहती है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो आपको और बहुत ज़्यादा टफ मेहनत से अंदर से निकलना पड़ता है।
जैसे आपके बहुत से इंटरनेशनल टूर रहे हैं और नेशनल भी खेले हो, आप इंटरनेशनल टूर पे भी खेले हो, तो नेशनल और इंटरनेशनल टूर में कुछ डिफरेंस लगा? बिल्कुल, नेशनल और इंटरनेशनल में बिल्कुल फ़र्क है भाई। इंटरनेशनल तो एक एक देश से जो उनका बेस्ट जो बॉक्सर होता है वो आता है उनके, और नेशनल में तो बहुत सारे ऐसे भी हैं कि आपको इजी बाउट भी मिल जाएगी, टफ भी मिल जाएगी, बराबर भी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ आपको इजी नहीं मिलेगी। वहाँ तो सब आपके बराबर के ही होंगे और वहाँ आपका दिन जो है होता है, किसी दिन आप अच्छे होके भी रह जाते हो, बॉडी आपकी नहीं जितने अच्छा आप परफॉर्मेंस कर नहीं कर पाते कई बार अच्छी परफॉर्मेंस, तो बराबर फाइट से कई बार रह भी जाता है। वहाँ जो भी फाइट होगी आपकी टफ होगी। तो आप लगभग 2000 के करीब आप खेलने लगे थे? हाँ। तो आपकी नेचुरल डाइट रहती थी आपकी उस टाइम? हाँ, डाइट जो थी बिल्कुल सिंपल, फैमिली से बिलोंग करते हैं, दूध वगैरह ज़्यादा, घी वगैरह ज़्यादा, जैसे अपने देसी जो देहात में हो, दूध घी दही और जूस वगैरह भी, बाद में जैसे जैसे मैं ज्ञान हुआ तो जूस वगैरह भी पीने लगे, स्टार्टिंग से दूध और घी था। जैसे जो आजकल के बच्चे सप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, इस बारे में कुछ कहना आपका? जैसे पहले आप नेचुरल डाइट लेते थे, इसमें कुछ डिफरेंस है? सप्लीमेंट भी लेते हैं आजकल? सप्लीमेंट जैसे आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया स्कूल, सप्लीमेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टेराइड होती है वो बॉडी पे जो है वो गलत है लेना। सप्लीमेंट आप जो स्पोर्ट्समैन होता है वो नेचुरल जो इंसान हो, जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करता है ग्राउंड के अंदर, तो हम जैसे दूध हो गया, घी हो गया, रोटी होगी, दही होगी, वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। तो कुछ विटामिन जो है शरीर को, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तो फिर आपकी जो मसले हैं उनको तो फिर चाहिए सारी चीज़ें। सप्लीमेंट लेने में कोई बुराई नहीं है, वो आप ले सकते हो, मैं ये मेरी सोच है। तो आप जॉब करते हो? हाँ, मैं रेलवे में हूँ भाई। तो आपको जो जॉब मिली है इंडियन रेलवे में, तो ये बॉक्सिंग की देन है? बिल्कुल, बॉक्सिंग की देन है। जो मैं आज रेलवे में टीटी हूँ, बॉक्सिंग के स्पोर्ट्स कोटे से ही मेरे को जॉब मिली। आपको जॉब मिली तब उस कैसा लगा, कि आपको लगा कि गेम करने का फ़ायदा हुआ मुझे? जब स्पोर्ट्स किया तो सोच हमारी जो पहली सोच थी यही थी कि नौकरी मिल जाएगी आराम से, तो जब ये नहीं सोचा था कि इंटरनेशनल हो जाएंगे, नाम हो जाएगा, बढ़िया हो जाएंगे, पैसे मिलेंगे, सब ये था कि नौकरी के एक रोज़गार हो जाएगा, तो एक सपना आता था। और रेल में उस टाइम पे रेल की नौकरी की बहुत वैल्यू होती थी, जितने अच्छे हमारे जो पुराने सीनियर जो खिलाड़ी रहे वो रेलवे में ही, तो यूँ था कि एक सपना आता कि मैं रेलवे में जॉब करूँ टीटी की, वो मेरा पूरा हो गया। तो हम भी दुआ करते कि आप और भी अच्छी जो जूनियर बच्चे हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दो, ताकि आपका भी और ऊंचा नाम हो। आपने खुद बॉक्सिंग खेल करके इतना अच्छा नाम कमाया, और आप अब जूनियर खिलाड़ियों को भी ट्रेनिंग दो और अच्छा अच्छा खिलाड़ी तैयार करो और अपना नाम कमाओ। तो आप फ्री टाइम में क्या करते हो? मैं जब भी फ्री टाइम में रहता हूँ तो मैं स्टेडियम में जाता हूँ, जो हमारे जूनियर हैं, छोटे भाई हैं, जब भी मौका मिलता है तो उनको सिखाते हैं, जैसे किसी के का भी भला कर सकते हैं उसका कोशिश करते हैं, जाते हैं बॉक्सिंग से अभी टच में ही हैं, ग्राउंड वगैरह में जाते रहते हैं, सुबह स्टेडियम में जाते हैं, जो जूनियर बच्चे हैं उनको सिखाते हैं। तो अब तक आपने कुछ खिलाड़ी तैयार किए हैं? खिलाड़ी मेरा स्टूडेंट है और छोटा भाई भी है, मनीष कौशिक, उसको अभी फ़िलहाल में अर्जुन अवार्ड मिल रहा है, और एक छोटा भाई है वो अभी औरंगाबाद जो है कोच है, उसको भी मैंने काफ़ी यानी कि कोचिंग दी थी, सिखाया था। और एक लड़का नेवी में है, जैसे कई जो हमारे छोटे थे या जो हमारे से जूनियर थे जिनको हमने सपोर्ट किया, वो आज अच्छी जॉब पे हैं, अच्छे रोज़गार, जो कि मनीष कौशिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल प्राप्त किया। हाँ बिल्कुल, ये मेरा स्टूडेंट है और हमने इसको बहुत सपोर्ट किया जब ये बेचारा छोटा था, जब कोई भी नहीं जानता था इसको, मैंने भी सपोर्ट किया, सुनील भाई ने भी सपोर्ट किया, जो ये हमारा जूनियर था, उसकी को गलतियाँ होती थी, देख के अलग से उसके पैड करवाने, अलग से उसकी डाइट, कई बार क्या होता है बॉक्सिंग में जो सब जूनियर कैटेगरी होती है उसमें वेट जाते हैं 12 और मेडल आते हैं जैसे 5 एज का होता है, तो कई बार उनके सिलेक्शन भी करवाए जो हमारे कोच होते थे सीनियर के, कि भाई ये लड़का प्रूफ करेगा जी, प्लीज़ इसको चांस दो, और उसमें सिलेक्शन हुए और आज उन्होंने प्रूफ करके भी दिखाया। तो बहुत अच्छी बात है मंजीत जी, आप पर हमें बहुत गर्व है, आपने इतने अच्छे खिलाड़ी को भारत को दिया है, जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल भी लेके आए हैं और फिलहाल उन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल रहा है, हमें आप पर बहुत गर्व हो रहा है।
थैंक यू नवनीत भाई। मंजीत जी आप ये बताइए, जैसे आप आपके कोच ने तो फुल सपोर्ट किया, आपको प्रैक्टिस कराई है, साथ ही साथ सीनियर खिलाड़ियों में आपको किसने सपोर्ट किया? जो हमारे सीनियर खिलाड़ी थे प्रवीण कौशिक जी, और वो पहले बॉक्सिंग के वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया भाई। हम जब छोटे से थे तो वो सिखाते थे, यानी खड़ा होना, पैड करना, फाइट वगैरह, एक एक चीज़ यानी कि वो बताते थे। मैं ट्रेनिंग के दौरान मेरे को उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जो मैं आज हूँ तो उनकी बदौलत, और कोच साहब ने तो थे ही कोच साहब। जो भाई बहन बॉक्सिंग खेलते हैं या फिर उनके अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जो भी भाई हमारे छोटे भाई स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। आप औरों से अगर ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपको औरों से अच्छा फल मिलेगा, अच्छी आप अचीवमेंट दोगे। जितनी मेहनत कर सको अपने मन से, और आप रेगुलरिटी रखें अपने अंदर, बस एक संदेश देना चाहते हैं। तो मंजीत जी आपने इतना समय निकल कर अपने युवाओं और दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, बहुत और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।